फंगाई जो होता है वो जनरली यूकैरियोटिक होता है, फंजाई जो होता है वो यूकैरियोटिक होता है। यूकैरियोटिक मतलब जिसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनली लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गॉल्जी बॉडी, राइबोसोम प्रेजेंट होता है और बहुत सारे फीचर होते हैं यूकैरियोटिक के। यीस्ट जो होता है, मशरूम यीस्ट सब, ये सब यूकैरियोटिक है। और यीस्ट जो होता है वो यूनिसेलुलर होता है। यीस्ट को हम लोग बेकरी में यूज़ करते हैं इसका, अरे ब्रेड बनाने के लिए और बहुत मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। सम फंजाई आर इडिबल, सम आर पॉइजनस। कुछ फंजाई जो होते हैं वो इडिबल होते हैं लाइक मशरूम, एंड सम आर पॉइजनस, और कुछ पॉइजनस नेचर के होते हैं एमानिटा। आई आर ई क्लोरोफिलस एंड हेटरोट्रॉपिक थैलोफाइटिक। ए क्लोरोफिलस मतलब क्लोरोफिल इसमें एबसेंट होता है, मीन्स ये हेटरोट्रॉपिक होते हैं। और थैलोफाइट मतलब थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है। थैलोफाइट मतलब जिसमें ट्रू लूफ रूट लीफ और स्टेम एबसेंट होते हैं उन्हें थैलोफाइट बोलते हैं। द स्टडी ऑफ फंजाई स्कार्लेज माइकोलॉजी। फंजाई के स्टडी को हम लोग माइकोलॉजी कहते हैं। माइकोलॉजी, माइको मीन्स फंजाई और लॉगस मीन्स स्टडी। प्लांट बॉडी कंसिस्ट मोस्टली ऑफ थैलस मेड अप बाई हाइफी। प्लांट बॉडी जो होता है वह मोस्टली का बना होता है, हाइफी का, और बहुत सारी हाइफी जो होती है वो एक साथ मिलकर माइसीलियम बनाती है। सेल सेल से मिलकर हाइफी बनता है, हाइफी से मिलकर माइसीलियम बनता है। बहुत सारी जब हाइफी एक साथ जिग जैग मोशन में कुछ इस तरीके की अरेंज हो जाती है तो ये माइसीलियम बनाती है। मेरी स्पीसीज आर पैरासाइटिक इन्फेक्टेड प्लांट एनिमल एंड ह्यूमन बींग। बहुत सारी स्पीसीज जो होती है ये पैरासाइटिक होती है, मीन्स जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें पैरासाइटिक बोलते हैं। एंड एनिमल आर और एनिमल और बहुत सारे ह्यूमन डिजीज कॉज करती हैं। द हाइफी आर एसेप्टेड, द हाइफी आर एसेप्टेड सीनोसिटिक सेप्टेड एंड यूनि आर मल्टी न्यूक्लिएटेड। हाइफी जो होता है एसेप्टेड होता है एंड सीनोसिटिक आर सेप्टेड। एसेप्टेड मीन्स सेप्टा जिसमें नहीं प्रेजेंट होता है, लाइक ये है। और सिटिक, सीनोसिटिक मतलब एक से ज़्यादा न्यूक्लियस जिसमें प्रेजेंट होते हैं उन्हें सीनोसिटिक बोलते हैं। बुचरेरिया इसका एग्जांपल है सीनोसिटिक का। और एसेप्टेड मीन्स इसमें सेप्टा नहीं प्रेजेंट होता, लेकिन जगह जगह अगर कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं सेप्टेड। एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और डियोट्रोमाइटिस। सेल वॉल इज मेड अप बाय फंगल सेलुलोज आल्सो नोन एज काइट। सेल वॉल जो होता है वह काइटिन का बना होता है। सम लोअर फंजाई लाइक ओमाइसिटीज, ओमाइसिटीज लोअर फंजाई है। द सेल वॉल इज कम्पोज सेलुलोज एंड ग्लूकेन का बना होता है। द हायर फंजाई एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूट्रोमाइसिटीज आर इमोटाइल। इनमें मोटाइलिटी नहीं होता। हायर फंजाई जो होते हैं एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूट्रोमाइसिटीज, मोटाइलिटी नहीं होता का मतलब फ्लैजिला इसमें जो होता है वह एबसेंट होता है। लाइफ के किसी भी फेज में फ्लैजिला नहीं प्रेजेंट होता। वाइल लोअर फंजाई फाइकोमाइसिटीज गैमीट मोटाइल, जबकि लोअर फंजाई जो होता है उसे फाइकोमाइसिटीज में गैमीट जो होता है इसमें गैमीट स्टेज में मोटाइलिटी होता है। मीन्स या तो ये यूनिफ्लैजिलेटेड होंगे या बाईफ्लैजिलेटेड होते हैं, या तो एक फ्लैजिला प्रेजेंट होगा या तो बहुत सारे फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे। ये क्लासिफिकेशन में डिटेल में देखा जाएगा कि कैसे होता है। रिप्रोडक्शन बाई सेक्सुअल, ए सेक्सुअल और वेजिटेटिव। रिप्रोडक्शन इसमें जो होते हैं ए सेक्सुअल, सेक्सुअल और वेजिटेटिव, तीनों तरह के रिप्रोडक्शन इसमें जो होते हैं वो पाए जाते हैं। काइटिन जो होता है वो पॉलीमर होता है NAG का, एन एसिटिल ऑफ ग्लूकोसैमीन। ये जो होते हैं वो मोस्टली टेरिस्ट्रियल होते हैं, टेरिस्ट्रियल यानी लैंड पर पाए जाते हैं। सेक्स ऑर्गन आर यूनिसेलर आर नॉन जैकेटेड। सेक्स ऑर्गन जो होता है वो यूनिसेलर होता है और उनमें स्ट्राइल जैकेट जो होता है वो कवरिंग नहीं प्रेजेंट होता है। नो इम्ब्रियो फॉर्मेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल में इम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता। पी ए मिचेली इटालियन बॉटनिस्ट पब्लिश्ड फर्स्ट बुक ऑफ एल्गी फंजाई। फंजाई का जो पहला सबसे पहला बुक है वो पी ए मिचेली ने नोवा प्लांटेरम जेनेरा नामक बुक पब्लिश किया था, जो कि सबसे पहली बुक फंजाई की है। ईजे बटलर ब्रिटिश फर्स्ट टू इनिशिएट स्टडी ऑफ फंजाई इन इंडिया एंड नोन एज फादर ऑफ माइकोलॉजी एंड पैथोलॉजी। ईजे बटलर जो हैं वो ब्रिटिशियंस थे। इन्होंने सबसे पहले फंजाई की स्टडी इंडिया में किया था और इन्हें फादर ऑफ माइकोलॉजी एंड पैथोलॉजी, इन्हें फादर ऑफ माइकोलॉजी या पैथोलॉजी के नाम से जाना जाता है। इनका बुक जो था फंजाई एंड डिजीज इन प्लांट, फंजाई एंड डिजीज इन प्लांट इनका बुक। और केसी मेहता, केसी मेहता
इंडियन फादर ऑफ माइकोलॉजी, ये ईजे बटलर जो थे वो फादर तो थे लेकिन ये ब्रिटिशियर्स थे और सबसे पहले इंडिया में इन्होंने माइकोलॉजी का स्टडी किया था। लेकिन केसी मेहता जो है वो फादर ऑफ माइकोलॉजी इन इंडिया है, इन्होंने ये इंडिया के हैं जिन्होंने माइकोलॉजी के बारे में स्टडी किया था, केसी मेहता। एडी बैरी फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, एडी बैरी फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी और प्लांट पैथोलॉजी। केसी मेहता, केसी मेहता एसोसिएटेड विथ रस्ट डिजीज प्रॉब्लम इन इंडिया। केसी में ये वीट रस्ट प्रॉब्लम जो वीट में होता है उसके बारे उससे जुड़े रहे और उसका डिटेल में स्टडी किया। इन्हें रस हंटर भी कहा जाता है।